राजधानी जयपुर के चौमू नगर पालिका की मॉनसून से पहले हुई बारिश नहीं पोल खोल कर रखती है। शहर में विकास का दम भरने वाले जनप्रतिनिधि और नगर पालिका के अधिकारियों की भी पोल खोलकर सामने आ गई है। नाली निर्माण और साफ सफाई के नाम पर नगर पालिका लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन जमीन पर वही ढाक के तीन पात नजर आते हैं। बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया है, जिसके आवागमन भी अवरुद्ध हो गया है। कहीं नालियां अवरुद्ध है तो कहीं टूटी हुई सड़क लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। रावण गेट सर्किट पर पिछले कई दिनों से नाला सफाई और सड़क निर्माण कार्य कछुआ के चाल से चल रहा है। इसके चलते शहर ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ चुकी है। रावण गेट और थाना मोड़ पर जाम लग जाता है, तो वहीं बरसात का पानी भरने से आसपास के दुकानदार भी नारकिया जिंदगी जीने को मजबूर हैं। इधर वार्ड नंबर 31 में सत्ता पक्ष के पार्षद संजय योगी ने नगर पालिका चेयरमैन पर वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया है। वार्ड नंबर 31 में सड़क और नालियां नहीं होने के कारण वार्ड के लोग काफी परेशान हैं। ये हमारे वार्ड में आज तक कोई काम नहीं हुआ। चौमू में जब से कांग्रेस की नगर पालिका बनी है, हमने कई बार अधिकारियों को, चेयरमैन को अवगत करवाया है, और जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ हमें निराशा हाथ मिलती है और हमारे वार्ड में कुछ भी काम नहीं होते हैं। ये हमारे समस्या जब से नगर पालिका बनी है कांग्रेस की, जब से ये हाल है हमारे वार्ड का। अनुसैनी को कई बार मैंने खुद मेरे लेटर पेड पर अवगत करवाया है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कहते हैं ये? क्या आश्वासन देते थे जुटा हो जाएगा काम, और अभी पूर्व में आए थे, हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम था, उसमें ये कहकर गए थे आपके वार्ड में एक महीने में काम चलवा देंगे, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। ना कोई पानी की समस्या, और हमारे वार्ड में बोरिंग बार बार में ख़राब होता है, तो हम अधिकारियों के पास जाते हैं तो बोल बोलते हैं, बोले तुम्हारे पास से आप पाइपलाइन डलवा लो, वो करवा लो, फलाना डिम का हमारे पास, और बोरिंग की मोटर के पास पैसे नहीं है हमारे पास। बिल्कुल चेयरमैन जी, अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला हमारे को उनकी तरफ से, कुछ भी नहीं, उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। वो तो उनका तो एक जुमला है विकास का, वो तो खाली जनता को लूट कर खाना चाहते हैं। चौमू की जनता को उन्होंने बर्बाद करके रख दिया। काम में इसमें है, इसमें जी चेयरमैन ने वादा करके गया था रोडों का, तो उसके अंदर टेंडर लगा दिए गए, और आजकल के लिए बोल रहे हैं कि वो खोलने के लिए टेंडर, तो आजकल में खुल जाएंगे, तो यहाँ पे नालियों का इनका विकास हो जाएगा और ये पानी की समस्या दूर हो जाएगी। यहाँ पे बिहारी लाल जी जमादार है हमारे एक, यहाँ पे जो हर वार्ड के अंदर कर्मचारियों को परमानेंट कर रखा है, तो उन्होंने की ऐसी स्थिति है कि वो यहाँ के कर्मचारी को हटा के और दूसरी जगह भेज देते हैं। मैंने कई बार SIG को अवगत करवाया है, और SIG ने बोला कि हमने परमानेंट दे रखा है, तो बिहारी को फ़ोन करता हूँ तो आधी बार उनका फ़ोन स्विच ऑफ पाता है, और अभी भी मैंने भी उनको सफाई कर्मचारी को फ़ोन करके पूछा है कि कहाँ हो, तो उन्होंने चेयरमैन जी के वार्ड में भेजा है, तो चेयरमैन जी उनको पहले वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आओ, तो उन्होंने यहाँ पे आए हैं। वो ये विकास तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जैसे मेरे वार्ड के अंदर आज 1.5-2-3 साल हो गए हैं, अभी तक 1 रुपये की वो नहीं हुई। अब देखो चेयरमैन जी ने वादा तो किया है, लेकिन मेरे को तो लगता नहीं है हाल फिलहाल तो।